क्या सलमान खान 400 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे बिग बॉस 13 को होस्ट करने के लिए? क्या ये सही है या गलत? चलिए जानते हैं। हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर बॉलीवुड क्रेजी न्यूज पर। बिग बॉस 13 जल्दी टीवी पर ऑन एयर होने वाला है और उसके लिए सेलिब्रिटीज का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि इस बार आम आदमी बिग बॉस 13 में नजर नहीं आएगा। बिग बॉस 13 में इस बार सिर्फ सेलिब्रिटी ही कंटेस्टेंट होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सलमान खान इस बार बिग बॉस 13 को होस्ट करने के लिए 400 करोड़ लेंगे। कि सलमान खान इस बार बिग बॉस 13 को होस्ट ही नहीं करेंगे, प्रोड्यूस भी करेंगे, जैसे वो द कपिल शर्मा शो और नच बलिए 9 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पिछली बार यानी कि बिग बॉस 12 में सलमान खान ने वीकेंड यानी कि दो एपिसोड के 12 से 14 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, लेकिन इस बार वो 31 करोड़ रुपए ले रहे हैं दो एपिसोड के। तो इसका मतलब है कि ये 400 करोड़ वाली बात कहीं ना कहीं सही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों की माने तो 400 करोड़ रुपए सलमान खान ले रहे हैं। बिग बॉस की खबरें देने वाला द खबरी ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि सलमान खान 400 करोड़ रुपए लेने वाले हैं बिग बॉस 13 को होस्ट करने के लिए। वहीं DNA की एक रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया है कि सलमान खान 400 करोड़ रुपए होस्ट करने के लिए ले रहे हैं और 31 करोड़ दो एपिसोड के। लेकिन सलमान खान या फिर शो के मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई कि सलमान खान की फीस कितनी होगी और सलमान खान इसको प्रोड्यूस करेंगे नहीं करेंगे, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप आने वाले बिग बॉस 13 के लिए कितने एक्साइटेड हैं।